कदे कदे मैं सोचू हूँ कि भी घटना के बिना मेरी जिंदगी अलग होती। मारो बापू सदाऊं खया करतो हो। थाने परमात्मा न्यारो ही बनाए है और वहां से खुशी और आनंद वहां से ही मिले है। मेरा माँ बाप की मौत एक बस के भीड़बासु होगी, बाकी मरने के बाद में मैंने मेरा दादी दादा ही पाया है। आदमी केवा है कि मेरो जन्म एक बुरी घड़ी में हुयो हो और मेरो शराब हमारा माँ बाप की मौत को कारण बन गो। मने लगा है कि ये पिछला जन्म का पापा को कारण हो। मारा दादी दादा मेरो ब्याह करार मेरे से पाछो छुड़ाबो चाह रहे हैं। मारो ससुरो मेरी खातिरदारी बहुत अच्छा तरीका से करतो। मारी सासु मेरे से चाहती कि मैं बिने एक पोतो जन्म देऊं। पण माली ननद मने कोन्या चाहती, मने लागतो कि बा मेर पर जड़ा है। जी मिनक से मारो ब्याह हो बड़ो हो विषय में बहुत डरती ही। जना से मारो ससुरो बीमार हो, जना से मारा आदमी ने बहुत काम करनो पड़तो जिसे वे परिवार की जरूरत पूरी कर सके और बाके माले बहुत बोझ हो। मैं मारा जीवन से डर गई और मैंने कोने बेरो कि मैं के करूं। जी टेम मैं माँ बनती जना वे खुश होता, पर मैं माँ कोन्या बन सकी। घराने मारा ससुरा के अलावा मैंने कोई कोने समझा तो और वे इतना बीमार होगा कि कोई बात भी कोनी कर सकता जिससे मारो दिल टूट तो ही गयो। माले सासु मैंने बहुत डराती, अगर मारे छोरो न हुयो तो बाबा ने घर से बाहर निकाल देवली। मारा पड़ोस में एक अच्छी लुगाई मन चाय पीबाने बुलाया करती, बाके जीवन में दुख होबा के बाद भी बा बहुत खुश होती।
मैं भाली भायली प्रेमली से पूछी कि तुम हरिजन की लुगाई को अत्रो ध्यान क्यों रखे है। वह बोली कि मैं सतगुरु ईसु और बाका भक्ता को गेलो हूँ, वह दूसरा की जरूरत को ध्यान रखे है। और वह आया बोली कि भगवान मान चाव है जना मैं भी था न चाहूं हूं। मैं माली भाईली प्रेमली से खयो की बा मने भगवान यीशु के बारे में बतावे और बा मने बहुत दया से भगवान यीशु के बारे में बतायो। बा मने सत्संग में आबा को न्योतो भी दियो। मैं भी सत्संग हरा महाराज की आवाज अच्छी तरह जाने ही। सतगुरु यीशु भगवान बेजड़ा एक अनंत चांदनो है, जखो बांका ऊपर विश्वास रख लो ना, वो पाप और मौत का चक्कर से बचलो। बाने जीवन में लेबा से आपनो आलसी जीवन सुंदर और चोखो सी। ओ एक ही संदेश एन को हो जिन्हें मैं सुन बताने सारी उम्र तरसती रही। प्रार्थना की बात आपा ने सिखावे है कि हे परमात्मा मन्ने झूठा से साँचो, अंधेरा से उजाला में और मौत से अनंत जीवन में ले चले। यीशु मां अपनी प्रार्थना पूरी होवे। यीशु ही साँचो रास्तो और जिंदगी में जको मुक्ति दे। बे मां ने बताया कि अपा भगवान सो यीशु महाराज के द्वारा कदे भी और कठे भी प्रार्थना कर सका हा। बिना बड़ाई के ही बाको आशीर्वाद घनु है। वे आगे बताया कि भगवान चाहे है कि बाको आशीर्वाद आपाने मिले। वे मैंने बताया कि मैं सतगुरु यीशु महाराज ने मारो गुरु बनाऊं और उम्र भर भक्ति प्रार्थना और बाकी सेवा करूं। मैं महाराज यीशु से भी रात प्रार्थना करी कि बे माने साचो गेलो दिखावे और माने मुक्ति और शांति दे। जानकर बहुत अचंभा में पड़ गई कि मैं मां बन वाली हूं। आ बात जानकर महाड़ा घर का बहुत राजी हुआ और बे मने पाछा घर में लेगा। मरियम का यीशु लाडला सारे जगरा हो सारे जगरा तारन हार मारे घर आओ जी। हाथा में यीशु के तिलक हो क्या, हाथा में यीशु के
बाकी पसली में भालो छिदाय मारे घर आओ जी आओ आओ मारा यीशु राज मारे घर आओ नी ने मारवा के लिए कि मैं खुद न कहते माफ करूंगी नहीं के करना मैं मने कोई के लोग को ना दिख रहे हो ई पाप से बच बतानी गिर जावेगा सारा गा सारा मेरे स्वर्ग में घर बना दो कि और न मांगूं मर दिल ने पाक बना दो यीशु कि और न मांगूं मर दिल ने पाक बना दो यीशु कि और न मांगूं कि और न थाने परमात्मा न्यारो ही बनाए है और बांस खुशी और आनंद बांस ही मिले है मारा ससुरा की हालत बुरी तरह से खराब होगी और डॉक्टर बोलियो भी रात निकालबो मुश्किल है मारी सासू मेरे पर दोष लगायो कि मैं खोटी हूँ बा मैंने मारबो चारी ही जे मारी छोरी ने मारी मन ने भी पर बहुत दया आई माफी मांगी मैं बिका पछताने पर बड़ी खुश हुई मैं थाने एक खातिर माफ करूं हूं कि मैं भी मारा पापा से महाराज यीशु से माफी पा ली हूं
परमेश्वर थाने जावे है भैया, मैं भी थाने जाऊं। मैं दोनों मिलकर भगवान यीशु से मांगियो कि महाड़ा सुसरा ने उतावड़ा से उतावड़ो अच्छा कर दे। कोई असर को नहीं पड़े। यीशु बुरी से बुरी दशा ने भी अच्छी बना देवे है।